where we need to find 1 plus iota raised to power 1 by 2. या फिर अगर कह दे find nth root of 1 plus iota for n equal to 2. मतलब कि हमें square root of 1 plus iota निकालना है. किसी भी complex number का square root, nth root. तो ये कैसे निकलता है? सबसे पहले ये किस equation का root है? ये है zn minus z not equal to 0 होता है. ये z square minus z not है 1 plus iota equal to 0. तो z is equal to क्या हो गया? 1 plus iota raised to power 1 by 2. हमें इसकी value निकालनी है ना? तो इसके लिए सबसे first step क्या होता है? First step होता है कि आपको इसको किसमें polar form में convert करना है. Okay? Polar form कैसे निकलती है? This is 1 plus iota. Polar form क्या होती है? R cos theta plus iota sin theta. यही होती है किसी complex number की polar form. Okay? So, यहाँ पे x क्या है? 1 है. Y क्या है? 1 है. वैसे ये मैं बहुत बार discuss कर चुकी हूँ अब तक तो. So, अगर आप first time देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए. R क्या होता है? Under root x square plus y square. हम फटाफट कर लेंगे. R is equal to root 2. इसके बाद हम क्या निकालते हैं? अल्फा. अल्फा होता है tan इनवर्स y by x. दैट इज ये क्या हो जाएगा? पाई by 4. और ये क्या है? 1 पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ये मैं सिखा चुकी हूं आपको सारा लास्ट पिछली कुछ वीडियोस में, तो आप वहां भी देख सकते हैं. तो यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो थीटा अल्फा के इक्वल है तो थीटा भी क्या हो गया? पाई by 4. तो r हमारा क्या आया है? √2 cos pi by 4 plus iota sin pi by 4 raised to power 1 by 2. Okay? So, this is हमें क्या मिला? 2 raised to power 1 by 4 मिला हमें. एक तो ये 2 raised to power 1 by 2 था और ये 1 by 2, तो 2 raised to power 1 by 4 को हम बाहर कर देते हैं. ठीक है? अब क्या होता है? nth root का formula cos 2 के pi plus pi by 4. ओके, सॉरी, 2 के पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस पाई बाय 4. ओके, दिस अपॉन क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2. अपॉन 2 क्यों हुआ? जो ये पावर है, ये पावर आके कहां हो जाती है? नीचे मल्टीप्लाई. कैसे? डी मूवरिस थ्योरम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है. ओके, सो ये है आपका, निकल आया ये फार्मूला. वेयर k क्या होगा? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो k क्या होगा? 0 1. तो एक बार आप k को डालेंगे 0, k को 0 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? k equal to 0 पे आपको रूट मिला 2 raised to power 1 by 4 cos pi by 8 plus iota sin pi by 8. यही रूट मिला at k equal to 0. इसको आप z1 बोल दीजिए. z2 क्या मिला? जब k को आप 1 डालेंगे, k को आप 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 raised to power 1 by 4. This will be 2 pi plus pi by 4. That means 9 pi by 8. Cos 9 pi by 8 plus iota sin 9 pi by 8. तो ये हमें मिले 1 plus iota के square root. तो ऐसे ही अगर आपको cube roots निकालने हो तो power 1 by 3 हो जाएगी. सेम बाकी तो यही तक सेम होगा, क्योंकि इसकी पोलर फॉर्म हमें पता है 1 plus iota की क्या होती है. और ये 1 plus iota बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसकी पोलर फॉर्म तो आपको वैसे ही टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 plus iota, 1 minus iota, minus 1 minus iota, minus 1 plus iota इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो इन तीन चार कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म टिप्स पे है अगर, तो पोलर फॉर्म के बाद कुछ भी नहीं है. बस आपको k की वैल्यू डालनी है और आपके पास क्या आ जाएंगे? इसके रूट्स आ जाएंगे, nth रूट्स आ जाएंगे. ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा है.